तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गई है वो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग कैसे करवाएंगे, रिपोर्टिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को क्या क्या चाहिए, साथ ही जो सेकंड राउंड में आप लोगों में से किन किन को कॉलेज मिलेगी और थर्ड राउंड में किन किन को कॉलेज मिलेगी, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रूप से बात करने वाले हैं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आप लोगों को रिपोर्टिंग कैसे करवानी है। तो आज दशहरा है और दशहरे को छुट्टी है, मतलब कि आरयूएचएस की भी छुट्टी है, कॉलेजेज की सबकी छुट्टी है। तो आज आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकते, लेकिन आज आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को आप अपनी एक फाइल में रख लीजिए, ताकि आप कल कॉलेज में जाएं तो आप लोगों को वहां पर ऐसे भटकना नहीं पड़े कि ये हम डॉक्यूमेंट नहीं लाए, ये नहीं लाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको नंबर वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट रख लें आप, उसके साथ में आप लोगों का जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है उसको कंप्लीट रूप से भर के और उसको रख लें। साथ ही आप लोगों का जो जाति है वो रख लें, जो मूल निवास है आप लोगों का वो रख लें। साथ ही आप लोगों के जो भी आप लोगों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाया है वो रख लें। अगर किसी ने गैप दिया है तो गैप सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लिया होगा वो भी आप लोग रख लीजिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों की दो फोटो, दो या चार आप लोगों की ओरिजिनल फोटो, आधार कार्ड की दो या तीन आप लोगों को फोटो कॉपी रख लेनी है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रख लेने हैं। साथ ही आप लोगों ने जो भी फॉर्म भरवाया था वो फॉर्म की कॉपी, आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर आया उसकी कॉपी, और जो आप लोगों का जो रिजल्ट था उसकी कॉपी आप लोगों को, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रख लेने हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप अपनी फाइल में रख लीजिए। अब आप लोगों को कल जाना है कॉलेज में। अब कॉलेज में जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर या तो आप डीडी बनवाकर जो आपकी फीस जमा करवा सकते हैं, या फिर आप लोग जो है कैश भी वहां पर फीस जमा करवा सकते हैं। ये रही आप लोगों की बात। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब आप लोग जाइए लंच टाइम पर जाइए, जहां भी जिस भी कॉलेज आप लोगों का अलॉट है वहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आप जाकर बात कीजिए कि यहाँ पर ये कॉलेज कैसी है, कितना क्या रिजल्ट देती है, कैसे नहीं देती है। ये सारी चीजें आप लोग जो है उनके स्टूडेंट से जाकर पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप प्रिंसिपल सर से उनके स्टाफ से पूछेंगे तो वो आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट से जाकर पूछ लीजिए कि कैसी क्या कॉलेज है, कितना क्या रिजल्ट देती है, आप स्टूडेंट से जाकर पूछें तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को सेकंड राउंड में किन किन स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगी और किन किन को थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस कैटेगरी में लास्ट इतने नंबर वालों को भी कॉलेज मिल गई है तो हम आप लोगों को सेकंड राउंड की कट ऑफ बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम एग्जैक्ट सेकंड राउंड की कट ऑफ नहीं बता सकते कितनी क्या कट ऑफ रहेगी, फिर भी मैं आप लोगों को अंदाजा बता देता हूं जिन भी स्टूडेंट के 38 से प्लस नंबर है उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगी। जिन भी स्टूडेंट के 38 प्लस नंबर है फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है आप लोगों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगी, और जिन किसी स्टूडेंट के 35 प्लस नंबर है उनको आई थिंक थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जानी चाहिए, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे उससे हम और भी पता लगा लेंगे कि कितनी क्या कट ऑफ रही है हर एक कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को जो है यहां पर जो भी कॉलेजेस अलॉट होंगे वो सब आप लोगों को बता देंगे, जो भी आप लोगों की कट ऑफ रहेगी वो सब आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज की ये जो वीडियो थी, मैं गांव आया हूं और अभी सेटअप पे नहीं हूं तो यहां पर वीडियो इसी तरीके से है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी नॉइस प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं गांव आया हूं, थोड़ी देर में सेटअप पे पहुंच जाऊंगा, वहां जाकर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर मैंने यहां पर दे रखे हैं, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल कोई नहीं करेगा। गांव आया हूं तो कॉल अटेंड नहीं कर सकूंगा, मैसेज आप करें टीम आपको रिप्लाई जरूर दे देगी। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।